लेक को कहा जाता है आलसोल लेक या हालासुरू लेक। आर्मी ट्रेनिंग होता है सिर्फ, कमर्शियल बोटिंग अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये है दूसरा गेट। ओ बाहा अच्छा प्लेस है, मतलब भाई वाला प्लेस है, बारिश वाला माहौल हो रखा है। और मैं भूगोल लेके भाई अभी मैं जा रहा हूँ पास वाला भूगोल जोन में, वहाँ से भूगोल लेके मैं जाने वाला हूँ आलसोर लेक। तो यहाँ पे एक 40 का मतलब 40 रेंज 40 किलोमीटर रेंज का एक भोग है, वो भी करता हूँ। तो भाई बेसिकली आलसोर लेक मेरा हॉस्टल से 10 किलोमीटर है और मैं अभी भूगो पे हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से अभी भी लगभग 8 किलोमीटर से गूगल मैप में दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 22 मिनट लग जाएगा पहुँचने में। तो अभी फटाफट चलते हैं उधर और बर्फ का नजारा लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो मेरे को सीधा ही जाना है और मैं ट्राइपॉड रख के आया, पता नहीं क्यों। पार्क काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं पहुंच गया भाई आलसोल लेक। मेरा गूगल में भाई 100 लग गया इधर आने में। तो लास्ट में मैं इससे पहले भाई गूगल मैप यूज़ करके कभी भी मतलब राइड नहीं किया था। तो सीन क्या हो रहा था, बार बार मैं एक टर्निंग आ रहा था, मैं बस रुक के देख रहा था भाई लेफ्ट जाना राइट जाना है किधर जाना है। अगर घोड़े के राइड भी कर सकते हो लाइक, लेक को कहा जाता है आलसोल लेक या हालासुरू लेक, दो नाम में फेमस है लेक। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है बेंगलोर का। तो आपके सामने रहा आलसोल लेक। तो काफ़ी सारा लोग है पार्क में, कपल्स भी है फैमिलीज भी है, और इधर एक खुरा का राइड भी चल रहा है। अरे अच्छा लेक का तो पहले सुना था इधर बोटिंग भी होता है, लेकिन आप इधर आके पता चला इधर आर्मी ट्रेनिंग होता है सिर्फ, कमर्शियल बोटिंग अभी अवेलेबल नहीं है। जगह देख रहे हो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किधर से जाए, उधर भी शायद गेट होगा। तो मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इधर पार्किंग में मेरे को 10 रुपया देना पड़ा। तो आप भी अगर व्हीकल लेके आ रहे हो या फिर भोगो जो भी है 10 रुपया जाएगा आपका। ये रहा मेरा भोगो, इसको करते हैं अनलॉक। अभी दूसरा गेट में चलते, इधर से भी तो इतना मज़ा नहीं, तो उस साइड से भी देख लेते कैसा मज़ा आता है। तो ये है दूसरा गेट। ओ भाई तो अभी मैं इस साइड भी आ गया, इस साइड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और पहले मैं था उस साइड में जो उधर का पेड़ और झरिया देख रहे उधर ही था। तो उधर से इधर आने की कोशिश बारे में सोच रहा था, तो देखा इधर ये सीन है। तो उधर से फिर इधर से घूम के आया मैं। और ये देखो मछली पकड़ रहे ना, फिश मिला ना। सो देखो इधर दी मद्रास सेपर्स का ट्रेनिंग होता है। और इस साइड भी देख लो, इधर एक काइंड ऑफ पुष्करणी है। तो देखो मैं इधर अकेला आया क्योंकि भोगो में दो बंदा मैं नहीं ला सकता, और अगर भोगो में मैं दो बंदा लाने की कोशिश करता तो रास्ते में पुलिस पकड़ लेता। ऑलरेडी रास्ते में बहुत पुलिस था। तो और काफ़ी अच्छा है, फ्रेंड्स हो या फिर आप कपल्स के साथ आ रहे हो, मतलब एक अच्छा प्लेस है, मतलब वाइब वाला प्लेस है भाई एकदम। बेंगलोर सिटी में अच्छा वाला लेक, इतना अच्छा व्यू।
हलासुरु लेक पार्क या फिर अलसुर पार्क कह लो, ये शाम के, सॉरी शाम के नहीं, सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। मैं एक वेबसाइट में अभी जस्ट रीड किया और काफ़ी सारा लोग यहाँ पे जॉगिंग करने आते हैं, या बोलो सुबह बोलो या शाम बोलो। अगर सबसे मज़ा तब आता अगर हम लोग जो बीच वाला एरिया ना उधर जा सकते थे, शायद पहले जा सकते थे, आप नहीं जा सकते या आप बस इधर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होता है जितना मैं सुना लोगजन से। और उधर आगे इधर इधर आपको दिख रहा है ना, इधर ही साइड तो मद्रास सफर्स का कैंप है भाई। बियाने घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो 2 दिन बाद हम लोग बेंगलोर छोड़ रहे, तो भाई एक अच्छा माहौल बन गया है। इधर आया चला आया घूमने, बस भोगों को भी पैसे कुछ खर्चा करना था, पता नहीं उस देश में भोगों मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस मैं ये वाला लेक में पहले भी आने के बारे में सोचा था, लेकिन तब आना नहीं हुआ, क्यों आ नहीं पाया वो तो पता नहीं, पर इस बार ज़रूर आ गया। तो व्यू तो आपने देख लिया, लेक का व्यू कैसा है कैसा नहीं। तो इधर मैं जितना आगे जा रहा हूँ उतना आगे तक रास्ता मेरे को दिख रहा है, इधर तो है ही है, शायद इधर से जाके वहाँ पे और एक गेट है। तो मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो भाई पैदल चलते चलते थक गया, तो अभी एक जगह मिला यहाँ पे, मतलब खाली जगह मिला, इधर बैठ गया। पीछे तो रोड है, बहुत सारा गाड़ी जा रहे और यहाँ से बैठ के भाई व्यू का नज़ारा एंजॉय कर रहा हूँ। और क्या, आई नो सामने थोड़ा पेड़ है, पेड़ पौधा, लेकिन फिर भी व्यू यहाँ से ख़राब नहीं है भाई, बहुत अच्छा सीनरी है। तो अभी मैं पार्क से बाहर आ चुका हूँ, चलते हैं सीधा हॉस्टल, लेट्स मेरा सफारी करते हैं, अनलॉक और निकलते हैं। भाई साहब देख लो, पूरा बारिश वाला माहौल हो रखा है और मैं भोगो लेके भाई, और भी अभी भी है, बस 3 किलोमीटर है जा रहा हूँ, आयो बारिश से पहले पहुँच जाओ। देख लो भाई कितना बारिश हुआ इधर, मैं तो रास्ते में फंस भी गया था, और जिधर मैं बारिश की वजह से फंसा उधर हुआ था एक्सीडेंट, और मैं जिधर भोगो पार्क करके मतलब बारिश से बच रहा था, उधर ही जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको उधर लेके आया, तो मैं उधर वीडियो शीडियो नहीं बनाया। और ये वाला व्लॉग कहीं पे एंड करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, डू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाय बाय, पीस आउट।